अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान बामकाबला न्यूजीलैंड पहला T20 मैच, क्या अंपायर्स का यहाँ बड़ा फैसला, मैच कौन जीता, क्या तफसीलात हैं, आपको तमाम तर डिटेल से आगाह किया जाएगा कि हम अंपायर्स का बड़ा फैसला सामने आ गया है, आपको तमाम तर डिटेल से आगाह किया जाएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों पाकिस्तान बामकाबला न्यूजीलैंड पहला T20 मैच रावलपिंडी में खेला गया। दोस्तों जब मैच शुरू हुआ टॉस जीत कर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग का फैसला किया तो जो है वो फील्ड खड़ी की, लेकिन फिर से जो है वो रावलपिंडी स्टेडियम में जो है वो बारिश आना शुरू हो गई। अंपायर्स ने मैच रोका एंड देन जो है वो फिर थोड़ी देर बाद जो है वो बारिश रुकी और जो है ग्राउंड साफ़ किया गया। उसके बाद फिर जो है वो मैच स्टार्ट हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि शाहीन शाह अफरीदी ने टिम रॉबिनसन की विकेट ली पहले ही ओवर में, तो उसके बाद जो है वो विकेट लेने के बाद जो है वो मैच फिर रुक गया, मैच बारिश की नज़र हो गया। फिर सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड ने 2 रन्स बनाए और 1 विकेट हासिल की। दोस्तों मुझे जो लगता है कि अगर ये पूरा मैच होता तो पाकिस्तान ये मैच जो है वो 100% जीत चुका था, क्योंकि जो है वो ओपनिंग भी पाकिस्तान की बॉलिंग की ओपनिंग भी जो है वो बहुत अच्छी थी। आपसे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मैच जीत जाता या नहीं? इसके अलावा दोस्तों बात की जाए कि मैच कौन जीता, यहाँ अंपायर्स ने 2 बारी जो है वो बारिश आने की वजह से मैच रोका और मैच जो है वो डिले हो गया बारिश की वजह से। ये मैच जो है वो ना पाकिस्तान जीता है और ना ही न्यूजीलैंड, इसमें ये सीरीज़ है तो इसमें कोई पॉइंट्स नहीं होते, तो जो है वो मैच कोई भी नहीं जीता। अगर सीरीज़ पाकिस्तान 3-1 से जीतता है, 3-2 से जीतता है, इस तरह पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ जीत सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के लिए भी एक लाइक ज़रूर।